अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग आज इतना जल्दी इसलिए उठे कि आयत का फर्स्ट पेपर है आज, तो हम लोग सब लोग दुआ करना जा रही है इसके स्कूल। तो आज पेपर रहेगा ना, सुनो जोर का सुनो पहला ही पेपर मराठी का, मराठी में थोड़ा वो वीक है, बस दुआ करना। और कब से उठे पता है, 6 बजे से उठे, पेपर है 10 बजे का। अयान की नमाज पढ़ा, मेरी नमाज पढ़ी, पढ़ाई भी करते बैठ गए साथ में, चाय नाश्ता भी कर लिए। तो मैं जा रही उसके साथ में, मैं डायरेक्ट 2-2.5 बजे ही आऊँगी घर ही बैठे ही। बस दुआ की दरखास्त से दुआ में याद रखूँ। और माशाल्लाह आप लोग ब्लॉग को बहुत रिस्पॉन्स दे रहे हो, देख रहे हो, सब अच्छा व्यूज आ रहे अच्छे है ना, ना? और क्या अरे सरप्राइज भी अच्छा कर रहे हो आप लोग, ऐसे प्यार देते रहो। माशाल्लाह आप लोग दुआ से 25,000 मिलने को आ रहे हैं, बस 100-200 बाकी है ना, 75,000 कर दो, तो खाली 25,000 बाकी हो गया ना, फटाफट कर दो। अपनी मरियम शेख को जल्दी 100K भी लेके आ जाओ, है ना। तो फिर मिलते हैं, आज दिन भर की जर्नी क्या है, अब मैं भी आने के बाद भी बाहर जाऊँगी तो वो भी आप लोग को बताऊँगी। कल भी गई थी बॉम्बे तो पूरा ब्लॉग डाली हूँ, आने के बाद अनाप एडिट करेगी। तो सुबह सुबह लग गई है सर्दी, खाली एलर्जी की गोली, कल भी रात में एक एलर्जी की गोली खाई थी जब बॉम्बे में थी उस शॉप में गई, तो वहीं छींक मेरे को अनाप के दोनों को चालू गई थी। और मेरे थोड़े गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, कुछ भी खाने पीने हो नहीं रहा है निकलने के लिए, तबीयत थोड़ी भी ख़राब है। कभी हुआ तो बाहर जाने का तो है मेरे को, मगर हुआ था आज तो डॉक्टर के पास जाऊँगी अगर घर में रही तो, नहीं तो कल तो ज़रूर जाऊँगी। क्योंकि हाँ देखती हूँ अभी, क्योंकि मुझे पैर में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उठने और बैठने नहीं हो रहा है। अभी भी सभी ने हाथ पकड़ के उठाया मेरे को, पैर में बहुत बोले तो बहुत ऐसा बैठ जाने तो उठने नहीं हो रहा है, घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब घुटना कोनी ऐसा अपनी तो घड़ी घड़ी चढ़ उतर मार्केट जाएगी तो बहुत पैर में पेन हो रहा है। घर से गाड़ी के नीचे की स्टूल रखना पड़ेगा, नहीं तो उसको तक सीढ़ी लगाना पड़ेगा, है ना। हाँ तो जो आती है ऑटोमेटिक सीढ़ी, तो देखते भी दूसरी गाड़ी लेंगे। तो चलो आँखों में तो नींद बहुत भरी है, देखते हैं अभी हम मिलते हैं। सर मैं आप कुछ बोलेंगे आवाज़ में बोल करो, जोर का बोलो, सुन ले रहा है, स्लो आती है पंखे वंखी की आवाज़ होती ना। सिर्फ मेरे बेटे के लिए दुआ करो, उसका ये पेपर अच्छा जाए। मराठी थोड़ा वीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही वीक है, दुआ करो जाए, अच्छा कामयाब हो जाए। हमारे मानना है उसे बनाने की, और ये साल मतलब जितना क्योंकि ये 10th है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ एजुकेशन के तरह, यहाँ से ही उसका आगे का कहाँ जाएगा वो, क्या नहीं जाएगा, उसे पूछा लोगे। तो दुआ करना, दुआ की दरखास्त करनी हम लोग, जितने भी 10 के बच्चे अल्लाह सब सबके लिए दुआ, जितने भी 10 के बच्चे सबके लिए दुआ करो, मैं भी सबके लिए दुआ करूँगा। और बेस्ट ऑफ लक सबको बोलूँगा, मैं अभी तुम्हारे कदम छूटा, और आप लोग भी मेहनत करो, बच्चे लोग माँ बाप तो देखो सुबह से उठ के बैठ के कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ते, करी जितना ये 10 में कर रही होगी, सही है ना। मुझे मैं 12 साल में कभी उसके स्कूल में नहीं गई हूँ, आज तक ओपन डे डांस क्लास जो भी था एनुअल डे कभी नहीं, समीर की बच्ची थी या टीचर को मीटिंग में बिठा बुलाते थे कुछ भी, मतलब जो भी बेचारे समीर ऑफिस का खड़ा करके जाते थे। मगर ये साल मैं मतलब कि डेयरिंग करी के स्कूल में गई, उसके लिए बैठी उठी, अभी जा रही हूँ, मतलब ऐसा लगता है लास्ट साल है बच्चा बस कामयाब होकर निकल गया, साल ख़राब नहीं हो कर। और एक तो उसकी माई की पैदाइश है, तो उसमें कैसा था साल का थोड़ा उम्र का वो हो जाता है ना 6 महीने का, तो वही अफसोस होता है 6 महीने का, अगर 6 महीने का फ़र्क नहीं रहता तो अभी एक क्लास और आगे रहता था। मगर उसकी गलती नहीं, वो स्कूल अपनी उम्र के हिसाब से बराबर गया, मगर उसकी पैदाइश ही गलत है जैसा मई की है,
मैं की पैदाइश का जो रहता है वो लोग का ऐसे ही मामला रहता है। चलो फिर मिलते हैं। हमारे ग्राउंड में सुबह सुबह सब गाड़ियाँ धुलना चालू है, सबकी गाड़ी धुलती है, सबके अलग अलग गाड़ी धुलने वाले हैं। हमारी माशाल्लाह फॉर्च्यूनर भी धुल रही है, होंडा सिटी भी धुल रही है, BMW भी धुल रही है। ऐसा नहीं BMW खड़ी है तो BMW नहीं धुलती है, सब गाड़ी धुली देती है और सब तीन तीन चार गाड़ी धुलने चालू अलग BMW धुल के खड़ी है करके। तो मैं फुल सफाई होती है हर चीज़ की, आगे पूरे सबकी गाड़ी धुल ली है इनोवा से लेकर। बोलने तो दे तो फाइनली हम सब आ चुके हैं। माशाल्लाह कहाँ कहाँ से लोग आए अपने बच्चों को लेके, वो सब देखते इधर उधर बहुत सारे खड़े हुए। तो देखते अभी एग्ज़ाम चालू होने वाला है करके, तो अभी हम लोग भी खड़े हैं, तो मतलब ऊपर साइड खड़ी है, सब नीचे देखते वहाँ खड़े हैं जा रहे हैं। तो हम लोग जाते हैं तो अभी फिर बताते क्या है क्या नहीं है। आयन का चेहरा बहुत, आयन का चेहरा आप देख सकते हैं कितना नर्वस दिख रहा है। आयन सबसे दुआ करने मिली है, बता सकता है सरकार दुआ मंगना चाहिए बता सकते। अरे सलाम को दुआ करना बोल ना सब, कब बोला क्या सोच ले। अरे तो ये भी आया सुल्तान का बेटा स्कूल से, अरे इसकी ना एट मेरा क्लास में, ये देखो ये चक्की पे अभी इसकी एट में ना इसकी पॉइंट आएगी एट में, ये जो कि स्कूल में एट में पॉइंट आती है तब तक चक्की पे आना पड़ता है, इसीलिए सोनू ने भी नाइन में पहले तो नाइन में आती थी ना आती से पहले। हाँ तो वो सोनू करके तो अभी देखो हम खड़े हैं और बहुत धूप भी है, बहुत गला भी सूख रहा है। अभी तो एग्ज़ाम में भी सॉरी रोजे में भी एग्ज़ाम नहीं है ना। चलो उसको बहुत शर्म आ रही। फाइनली तो आयान पेपर दे के आ गया, बज रही ढाई। मैं तो आई थी आयान का पेपर के यहाँ से छोड़ छुड़ा के, बाद में थोड़ा बोतल वोटल भरी है जो सो गई। तो सुबह से उठे फिर से नींद आ रही थी मेरे को पवई के रूम पे, और पूरा फंसा रहे फिर कपड़े के सब आ गए, मेरी पार्सल ईद का कलेक्शन भी सब आ गया है। तो सोचे आया आया आराम जाके लेके आई इसको। तो हमारी ये बहुत पुरानी मतलब मैं जो कुंवारी थी ना 15-16 साल की थी जब से ये बनाते थे, तो मैं तो खाती थी आप लोगों को पता है बाहर का, उस टाइम पर ला के खाती थी। तो अनाप ने थोड़ा सा खिलाया ना तो वो दिन की याद आ गई, तो मैंने ना रिपीट से मंगाई वो अनाप लोगों ने अभी भी आंटी बना के, और वो बहुत बुढ़े हो गए तो उन्होंने यहाँ इनकी दुकान थी तो बेच दिए थे, चले गए थे बेचारे कुछ हालात ख़राब हुए थे, तो वापस आया भी दूसरी जगह उन्होंने दुकान ली है। तो फिर हमने देखे तो अभी मैं वीजा लेके आया, बचपन की याद मतलब पूरी हो गई जवानी की या बचपन की, तो मैं मंगाई हूँ। और ये ना फिक्का भी था, मैंने थोड़ा खाया तो अच्छा लगा ये सब कुछ है, बोलते ना कुछ ऐसे दांतों के ना पहले की यादें आ गई यार, तो मैंने वापस से मंगाई। अभी ये खा रहे तो आप लोग भी आइए खाने के लिए, और बहुत काम है माशाल्लाह, बहुत स्टॉक हमारा आ चुका है। अभी आप लोग हम लोग बाद में बताएंगे क्या स्टॉक है, ये बात सब धमाल वाला स्टॉक है हमारा, देखते रह जाएंगे आप लोग, बहुत ज़बरदस्त और एक नंबर। हाँ आप लोग को मिलाती बाद में, और आज तो नहीं दिखाऊंगी कपड़े है ना, कल दिखाएंगे। तो मैं अब जा रही थी कि आई एन डी टीचर आने वाली है 3:30 को, टीचर का कॉल आ चुका था, तो मुझे यहाँ से भागना है उधर आई एन डी टीचर में। अभी बहुत आपदम लगी रहेगी तो क्या करते हैं, थोड़ा टाइम करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो बच्चे का फ्यूचर बनेगा। हमको तो मलाई नहीं मिलने वाली है बच्चों से, बड़ा होके क्या बोलेंगे हम ये आसे ये आसे, आज किसी से आस नहीं करने का अपने आदमी की सी, तो वो अपने को देने वाला जो भी देने वाला बस उसके लिए अल्लाह पाक से दुआ करेंगे उसको सलामत रखे। तो बच्चों का मगर ये बच्चों का क्या होगा उनके लिए फ्यूचर बनेगा। गाइस हम लोग के इधर रमजान का कलेक्शन आ गया है, फुल तैयारी चालू है रमजान की, और इधर पार्सल अनाप बांध रही है। न्यू कलेक्शन आ गया है, बहुत मस्त है माशाल्लाह। हमारा खाना वाना खा के हो गया माशाल्लाह, बहुत दिन के बाद बोले तो 3-4 दिन के बाद में
नूरी ने बहुत झकास बोले तो क्या समीर झींगे का सालन बनाई थी और बहुत अच्छा लगा। मैं तो 3-4 दिन से लग ही नहीं रहा था, मैं खाना खा रही थी क्या, और इसके साथ में कड़ींगर मेरे भाई इमरान ने लाया था तो मैंने बोले चलो कटी कर लेते हैं, रखे रखे कड़ींगर में फिर भी ख़राब हो जाता है, तो देखते पहले मीठा है क्या। अब बेचारा भाई सूरत गए, अल्लाह रास्ता आसान करें। आप कितने बिस खाएंगे, आप कितने बिस खाएंगे, हाँ जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी खाएंगे खाएंगे, लोग से पूछूंगी ना मेरे फैन फॉलोअर से भी, आप लोग कितना बिस खाएंगे जल्दी जल्दी मैसेज में डालो। मैं एक पीस या एक पूरा पीस सीलेस ब्लॉग बन रही है, हाँ तो मैसेज कैसे डालते, तो डालते ना मैसेज उस पर, कल डालेगा कल नहीं तो कल डालेगा, तो मैं कल वापस लेके आके लोग पहुँचाऊँगी। एड्रेस बताना मगर, समीर आएंगे घर तक देने के लिए। अरे बापरे छोटी छुरी बहुत ले ली इसने, इसमें क्या ना एकदम बड़ी बड़ी छुरी है, रमजान में निकालो। कल तो सोची थोड़ा नल बजा जाएंगे मगर नल के बाद जा रहे भेंडी बजा जा रहे तो भेंडी गुलो जाएंगी और क्या बोलते मोहम्मद अली रोड पे गए तो मोहम्मद भाई चले रहे नहीं तो दो बार और ट्रैफिक में तो गए नहीं कि हम लोग जाने से ट्रैफिक लग जाए उधर, है ना ना तो नाम तो अम्मी इधर से निकता। अरे बाप रे कोना इतना चुभ रहा है ना मेरे को, ये काटने नहीं जम रहा है, ये पैर में कोना चुभ रहा है टिपई का। हाँ बस बस सुकून हूँ मैं अभी, काट ली पहली तो ये बात हो गई, मैं तो नूरी उड़ी काटते पड़ी ना अभी, जैसे कि मैं रात में इसलिए कट करी ना तो क्या समीर घर पे आयु है अनाप है सब जगह पे तो खा लेंगे, फिर दिन में क्या बेचारे लोग रहते नहीं है, खाली वेस्ट में खाऊं, वेस्ट करके फिर खेतने में जाए। कड़ींगर का जूस भी पसंद है मुझे, जैसे कि आप लोगों को पता ही अपना कपड़े का बिजनेस है SM कलेक्शन, तो उसके अंदर जो हमारे कपड़े जैसे कि आप लोगों को पता है ईद आने वाली है तो ईद का सब स्टॉक भर रहे हम लोग, तो पूरा नहीं आया है क्योंकि अभी ईद को टाइम है ना, अभी से भर के अरे है तो अभी से भर के ऐसे तो फर्स्ट में कोई ईद के कपड़े लेता नहीं है, पहले भाई घर का खर्चा बहुत से काम लेते हैं हम लोग भी, खुद ही इतना पैसा पानी देके कोई एकदम पहले दूसरे रोजे को ईद के कपड़े नहीं ले लेता है, तो इसलिए मैं आराम से कुछ नया कलेक्शन कुछ अच्छा लाएंगे और रेडीमेड लाते अपन तो, है ना, उसको सिलाने की भी वो नहीं कि टेलर लेगा नहीं करेगा नहीं, तो माशाल्लाह हमारा नया नया कलेक्शन आते जा रहा है। और अभी फ़िलहाल कोट सेट आए हैं, कुछ पाकिस्तानी ड्रेस आए हैं, तो आप लोग देखना आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे लगेंगे। और अभी आजकल में और भी आने वाले हैं, तो जैसे जैसे आएंगे हम पिक्चर डालते जाएंगे, और जो भी ड्रेस आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप लोग प्लीज़ 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 उसका स्क्रीनशॉट निकालो और भेजो, क्योंकि हमें इतने ड्रेस में समझ में आने निकाल के भेजेंगे तो हम लोग ही जल्दी जल्दी आपको वाला ड्रेस परचेस करके भेज सकते हैं। अभी क्योंकि ड्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं फिर आप लोग बोलते हैं ये खोल के दिखाओ वो खोल के दिखाओ ऐसा करो, तो अभी क्या क्राउड का टाइम है ऑर्डर का टाइम है, तो इतने ड्रेस हम नहीं खोल के दिखाएंगे तो आपको फिर बुरा नहीं लगाओ करके सॉरी हम लोग का भी सोचा करना, और उस टाइम तो रोज़ा रहेगा तो सॉरी थोड़ा सोच सके, अभी आप लोग का क्या रोज़ा रहेगा तो आप भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं ना रोज़ा खोलने के बाद इंसान, तो जरा सोच समझ के लेना, तो इसीलिए तो जो आपका आपको जो भी दिखता है या मैं लाइव आती दिखता है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, या जब हम आए लाइव पर आप बोल दें कि हाँ हाँ ये ड्रेस चाहिए, और उसके बाद जैसा जैसा हमारा कलेक्शन आते रहेगा आपको वैसा वैसा हम पिक्चर सोनू खाएंगे यार। अरे उतना रखो कल काटो ना,
कौन खाएगा कल फिर? तुम अभी चार जन वो खाने के लिए पीछे रहो, कल कौन? इतना है चार जन में, इतना सूख जाएगा वो, काट के रखोगे तो सूख जाएगा, तो इसी सूख जाएगा वो। उसको आप प्लास्टिक में डाल के रखो ना। तो बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आ रहे, तो बस आप लोग वेट करो और बस दुआ करो कि पूरे कलेक्शन हम लाए आप लोग के लिए, मेहनत करें और अल्लाह मेहनत का फल हमको भी अच्छा दे, परवरदिगार, और आपको हम कपड़े अच्छे दें। बस उसके साथ ही हमारा ब्लॉग आज एंड होता है। और अच्छा लगा दिन भर की क्या जर्नी, ज़्यादा नहीं है तो जैसे भी है, तो आप लोग लाइक करो, प्यार करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाने का ना भूलिएगा। और मैं तो बोलती कभी मेरा ब्लॉग देखना है आपको तो पहले बेल बटन ही दबा दो। बातों में इतना उलझा देती हूँ तो आप लोग का बेल बटन नहीं दबता है। पहला ना आना बेल बटन दबा के फिर ब्लॉग देखा करो ना, ऐसा तू बोलती है ना, आना आप बोलती है ऐसा करके। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, ओके।